गाइस कैसे हैं आप लोग, आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज के इस वीडियो के अंदर वापस आपको जनरेट प्रेस की जो थीम हम कस्टमाइज कर रहे हैं, आज मैं इसके अंदर आप लोगों को मेन्यू किस तरह से कस्टमाइजेशन करते हैं, मेन्यू किस तरह से क्रिएशन वगैरह करते हैं और साथ ही साथ विजेट्स के अंदर किस तरह से काम करा जाता है इसके अंदर, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। सो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के इसको कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं देखते हैं। सो गाइस अभी हमारी वेबसाइट है वो कुछ इस तरह की दिख रही है, यहाँ पे मेन्यू जो है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है और विजेट्स जो बोला जाता है वो ये सेक्शंस होते हैं जिसको विजेट बोलते हैं। और यहाँ पे फुटर में अभी जो है हमारे पास कुछ भी बड़ा काम नहीं दिख रहा है, तो फुटर जो है वो मैं आज आपको रेडी करके दिखाऊंगा विजेट्स के जरिए। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर आपको कभी भी कलर कोडिंग जो है समझ में आए कि कलर थीम्स वगैरह हम क्या रखें, उसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट बताता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है कलर हंट करके आप सर्च करो तो colorhunt.co जो है ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है और जिसमें आपका काफी सारे कलर जो हैं वो यहां पर प्री लिस्टेड है। तो आपको जो भी थीम रेडी करनी है आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मुझे जो है ये कलर थीम का इस्तेमाल करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये कलर थीम का यहाँ पे ये कलर मुझे पसंद आ रहा है तो ये कलर मैं यहां से कॉपी करता हूं और कॉपी करके सबसे पहले मैं कस्टमाइजेशन के अंदर जाता हूं ताकि ये जो बैकग्राउंड कलर है इसका ये मैं यहां पर इसका ऊपर डाल सकूं। तो कस्टमाइजेशन करना है मुझे यहां पे, तो ये मैं कल हमने करा था कलर्स के अंदर और यहां पर जो है हमने प्राइमरी जो नेविगेशन है इसको गए थे और यहां पर जाकर ये कलर को करा था। अब मैं क्या करता हूं यहां पे जाकर ये पेस्ट कर देता हूं कलर नया वाला और इसको पब्लिश कर देता हूं। ये मैंने पब्लिश कर दिया, रिफ्रेश करते हैं तो अब ये है मेरा कलर, देख सकते हो जो मुझे थीम में चाहिए वो कलर यहां पे मुझे मिल चुका है। तो आई एम हैप्पी विद दिस कलर। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग ही पूरा काम करना है। सो अब मुझे यहां पर जो है चेंजेस करने, तो मैं यहां पे कस्टमाइजेशन से बाहर आता हूं। पहले मेन्यू किस तरह से क्रिएट करते हैं, आपको अपीयरेंस पे जाना है और यहां पे देख सकते हैं आपका मेन्यू है, तो मेन्यू पे जाके क्लिक करते हैं तो यहां पर अभी कोई भी मेन्यू क्रिएटेड नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले हमें मेन्यू क्रिएट करना होता है, तो यहां पे मैं मेन मेन्यू वर्ड डाल देता हूं और मैं इसको क्रिएट कर लेता हूं। तो ये मेरा मेन मेन्यू क्रिएट हो गया। अभी तक इसके अंदर कुछ भी जो है वो एलोकेटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना है यहां पे मैं कस्टम लिंक पे जाता हूं और कस्टम लिंक पे जाके अभी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, हैश का साइन लगाता हूं और यहां पे टेक्स्ट लिख देता हूं कि मुझे क्या डिस्प्ले करना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टेक, राइट। तो टेक से रिलेटेड मैं यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी से या फिर टेक या टेक्नोलॉजी जो भी हमें लिखना है, तो से फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे सिर्फ टेक लिखना है तो टेक से रिलेटेड चीजें मैं यहाँ पे डालना चाहता हूं इसके अंदर, तो मैंने ये लिख दिया, राइट। ये मेरा एक लिंक बन गया। अब इसके बाद जो है मैं एक और लगाना चाहता हूं, से फॉर एग्जांपल मुझे ब्लॉग का करना है तो मैं यहाँ पे ब्लॉग लिख देता हूं, ब्लॉग से रिलेटेड चीजें यहां पर आएंगी, इसके नीचे आएंगी तो वो मैंने यहां पे लिख दिया। तीसरी चीज यहां पे मुझे चाहिए है से फॉर एग्जांपल मुझे एफिलिएट से कुछ करना है तो यहां पे मैं लिख देता हूं एफिलिएट, ठीक है। एफिलिएट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा मेरा एफिलिएट के अंदर आएगा, तो ये भी यहां पे मैंने क्रिएट कर दिया। अब फाइनली यहां पर जो है मुझे और एक डालना है, से फॉर एग्जांपल टेक हो गया, ब्लॉग हो गया, एफिलिएट हो गया। अब मैं यहां पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर मैं यहां पे सिर्फ डिजिटल करके जो है छोड़ देता हूं डिजिटल, और इसके अंदर जो है हम कुछ सब मेन्यूज रेडी करेंगे। तो यहां पे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो ये हमने यहां पे चार सेक्शन ऐड कर दिया। अब मैं जो यहां पे सेव पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा मेन्यू जो है वो सेव हो गया। अब अगर मैं सेव कर चुका हूं और मैं रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हो रिफ्रेश कर दिया, मैं दोबारा एक बार रिफ्रेश करता हूं कोई भी यहां पर जो है अपडेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेन्यू क्रिएट तो कर दिया, उसको अभी उसकी लोकेशन के साथ में हमने मैप नहीं करा है। तो आपको जाना है मैनेज लोकेशंस पे, मैनेज लोकेशंस पे हम प्राइमरी मेन्यू की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी मेन्यू में जाके यहां पर मैं मेन्यू जो मेन मेन्यू हमने डिफाइन करा था उसको सेलेक्ट करके हम सेव कर देते हैं। जैसे ही हमने यहां पे सेव करा, अब अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हैं यहां पे आपका टेक, ब्लॉग, एफिलिएट और डिजिटल आपका वर्ड जो है यहां पर आ चुका है। तो ये हमने यहां पे डिफाइन कर दिया। अब इनका कोई मुझे ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह रेडी करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे एडिट पे वापस आते हैं और यहां पे
मैं वापस से यहाँ पे टेक के अंदर से, फॉर एग्जाम्पल टेक के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्किंग, राइट, या फिर यहाँ पे मैं स्विचेस लिख देता हूँ। मुझे स्विचेस के बारे में कोई डिटेल देनी होगी तो मैं यहाँ पे स्विचेस के कैटेगरी में डालूंगा, और अगर मुझे यहाँ पे कुछ राउटर से रिलेटेड डालना होगा तो मैं यहाँ पे राउटर से रिलेटेड डालूंगा, राइट। और अगर मुझे यहाँ पर कुछ जो है से फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर टोपोलॉजी से रिलेटेड कुछ डालना होगा तो मैं यहाँ पे मैं टोपोलॉजी के हिसाब से डाल दूंगा, तो ये मैंने टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग कर दिया, राइट। तो ये जो है आप देखेंगे ये आपके मेन इसके अंदर ही आ गया। अगर मैं यहां से सेव करूं और इसको एज इट इज यहां पे रिफ्रेश करूं तो ये सारे के सारे यहीं पे बढ़ते जा रहे हैं, पर मुझे ये सब कहां पे डालने हैं, टेक के अंडर में डालने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्विच है इसको यहां से ड्रैग करना है और यहां पे लाकर यहां पर नहीं रखना, उसके पहले थोड़ा सा हटाकर हम इसको इस तरह से रख देंगे। तो राउटर को भी मैं इसी तरह से रख देता हूं, और यहां पर जो है टोपोलॉजी है तो टोपोलॉजी को भी यहां पर जो है मैं इसके हिसाब से यहाँ पे रख देता हूं। अब मैं इसको सेव करता हूं, तो ये मैंने सेव कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पे टैग के सामने यहाँ पर एक आइकन आ गया, और यहां पर अब हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आया, अभी इसके कलर मुझे पसंद नहीं आए तो मुझे कलर यहाँ पे डिफरेंट चाहिए। मुझे कलर कौन सा चाहिए इसमें से, मुझे ये कलर चाहिए है, तो मैं ये कलर उसका बैकग्राउंड का चाहता हूं, तो मुझे वापस जो है इसका कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, तो जाकर मैं ये चीजों को सेट कर पाऊंगा, लेकिन ये मैं आप बाद में कर लूंगा, राइट। अब मुझे यहाँ पे विजेट्स के अंदर काम करना है, तो विजेट्स के अंदर कैसे काम करा जाता है वो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर ही हमारा यहाँ पे विजेट्स सेक्शन भी अवेलेबल है, तो विजेट्स पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आप देखते हैं यहाँ पे राइट साइड बार पे अगर कुछ कस्टमाइज करना है तो आप यहां से कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे आपको कुछ साइड बार देना है तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हो, हेडर में कुछ डिफाइन करना तो आप हेडर में डिफाइन कर सकते हो, ये फुटर विजेट्स हैं आपके उनके अंदर करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, फुटर बार जो है इसके लिए आप डिफाइन करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो, टॉप बार आपको डिफाइन करना है तो आप यहां से डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ये जो साइड बार है, राइट, ये जो साइड बार आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सर्च परफेक्ट है, बट यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, सर्च यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि सर्च ब्लॉक, राइट, या सर्च टॉपिक। तो यहाँ पे सर्च टॉपिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते ये लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे सर्च टॉपिक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे इसको जो है डालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे चलता हूं और यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये मैं टेक्स्ट जो है यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं और मैं यहाँ पे जो हमारा सर्च है उस पे चलते हैं, इसके ऊपर साइड पे ले जाके इसको छोड़ देते हैं, और यहां पर जाकर मैं सर्च यहां पे लिख देता हूं सर्च टाइटल, राइट, सर्च टाइटल लिख के अगर मैं यहां पर इसको डायरेक्टली सेव कर लेता हूं और सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो देखो यहां पे क्या चेंजेस आए, तो यहां पे अलग से एक सेक्शन बन गया, राइट। तो ये अलग से सेक्शन ना बनाकर मैं क्या चाहता हूं कि यहीं पे जो है कुछ और टेक्स्ट यहां पे डिस्प्ले हो, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर जो सर्च के अकॉर्डिंग की जो क्वेरीज हैं वो मैं यहां पर डाल सकता हूं। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या हो गया कि यहां पर ये सर्च में एज इट इज रहने दूं, ठीक है, ये भी हो गया। अगर ऐसा भी पसंद नहीं आ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहां पर HTML कस्टम HTML डालना पड़ेगा। कस्टम HTML डालोगे तो यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी टैग्स वगैरह डालने हैं, जो भी कंटेंट डालना है, अगर आपको HTML की कोडिंग्स वगैरह आती हैं तो आप इसके जरिए भी यहां पर चेंजेस कर सकते हो। तो यहां पे मैं अभी कुछ नहीं लगाता हूं, सर्च मुझे चाहिए, रिसेंट पोस्ट चाहिए और रिसेंट कमेंट्स चाहिए, तो ये मेरा बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ये परफेक्ट है, मुझे ये एज इट इज ही रखना है, मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो मैं रिफ्रेश करता हूं तो ये देख सकते हैं सर्च वापस हट गया, ये बिल्कुल ऐसा ही अभी अवेलेबल है। अब मैं क्या चाहता हूं फुटर साइड पे, राइट, ये जो फुटर साइड पे यहां पे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं फुटर साइड पे यहां पर टेक्स्ट ले लेता हूं, राइट, और टेक्स्ट में मैं यहां पे डाल देता हूं से फॉर एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं अबाउट अस, और अबाउट अस में मैं अभी यहां पे सिर्फ अबाउट अस करके, क्योंकि मैं आपको दिखाई रहा हूं अदरवाइज ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं यहां पे अबाउट अस कर दिया, ये मैंने एक डाल दिया यहां पर। सेकंड के अंदर फिर मैं यहां पे टेक्स्ट ले लेता हूं और यहां पर भी मैं लिख देता हूं से फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट या फिर यूजफुल, राइट, या फिर इंपॉर्टेंट लिंक ही लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट
लिंक्स, और इसके अंदर आपको जो है जो भी आपके लिंक्स डालने हैं, से फॉर एग्जांपल अबाउट अस का लिंक डाल दिया, फिर कॉन्टैक्ट अस का लिंक डाल दिया, फिर यहाँ पे आपका लॉगिन अगर कुछ दे रहे हो तो आप यहाँ पे लॉगिन, फिर यहाँ पे रजिस्टर का आप लिंक डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो है अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें आप सेट कर सकते हो और इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया, डन कर देते हैं। और अभी डन करने के बाद अगर रिफ्रेश करें तो यहां पर आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हमारे अकॉर्डिंग जो है बार बन गया है। अब यहाँ पे बार तो बन गया लेकिन ये जो कलर है वो मुझे पसंद नहीं आया है, व्हाइट कलर मुझे पसंद नहीं आया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो जहां से हमने कस्टमाइजेशन करा है कलर का, वापस से यहाँ पे कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाकर हमें वापस जो कलर कोडिंग हमें यहाँ से सेट करनी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कलर्स में जाएंगे। और कलर्स में अभी हम फुटर पे काम कर रहे हैं तो फुटर का बैकग्राउंड क्या आ रहा है आपका, व्हाइट आ रहा है, बट हमें व्हाइट नहीं चाहिए। हम क्या लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर लेना चाहता हूं और ये वाला कलर मैं यहाँ पे डालना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे जाकर ये कलर को सेट कर देना है। तो अब देख सकते हैं ये कलर आपके अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो चुका है। तो ये आपको कलर थोड़ा सा डार्क करना है या लाइट करना है, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो, बट रिकमेंडेड ये है कि आप जो कलर लें तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है सेट कर सकते हैं। और ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट। अगर ये टेक्स्ट का कलर आपको चेंज करना है, लिंक का कलर चेंज करना है, और यहाँ पे आपको ये जो विजिट्स के टाइटल आ रहे हैं इनका कलर आपको चेंज करना है, तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये है फुटर बार का कलर और यहाँ पे है आप फुटर बार का ये कलर जो है, यहाँ से ये कलर वगैरह भी आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका कलर हो गया, राइट। अब मैं यहाँ से वापस बाहर निकलता हूँ और जो मेरा यहाँ पे मेन्यू है, राइट, तो मेन्यू के यहाँ पे प्राइमरी नेविगेशन में जाते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं ड्रॉप डाउन का मेन्यू मिलेगा, सब मेन्यू है, तो ये आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू कहलाता है जो कि ये सब मेन्यू, राइट। तो सब मेन्यू जो है ये आपका यहाँ पे अभी ये वाला कलर है, तो ये कलर आपको चेंज करके ये वाला जो हमने कलर ये फुटर सेक्शन पे बैकग्राउंड में डाला यही डालना है, तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये कलर इसका आ चुका है। फोरग्राउंड कलर हमारा जो है वो ब्लू होना चाहिए या यही आपको ब्लैकेस्ट चाहिए, जैसा कलर कोडिंग आपको चाहिए वैसी कलर कोडिंग जो है आप यहां से कर सकते हैं। मैं इसको पब्लिश कर देता हूं और पब्लिश करके यहां से अगर रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं हमारा जो है पूरी वेबसाइट का थीम जो है वो अपने अकॉर्डिंग हमने चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कलर थीम आपको पसंद नहीं आए तो यहाँ पे और बहुत सारी कलर थीम्स अवेलेबल है, राइट। इसमें से जो भी थीम आपको इस्तेमाल करनी है आप अपने अकॉर्डिंग ये यहाँ से कलर थीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये चाहिए डार्क थीम के साथ ये वाला येलो कलर वहां पे फुटर में चाहिए, तो जैसा चाहिए बस आपको कलर चेंजेस करने हैं। और ये है आपका कस्टमाइजेशन फुटर के साथ में और विजेट्स के साथ में। विजेट्स में जो है एक और चीज यहाँ पे जो है मेन्यू के अंदर देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ में अवेलेबल है या नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करना, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन वो अवेलेबल नहीं है मेगा मेन्यू का। अगर मेगा मेन्यू का ऑप्शन होता तो मैं आपको मेगा मेन्यू भी क्रिएट करके दिखाता, बट उसके लिए मुझे फिर डिफरेंट थीम इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो आगे कभी वीडियो दूसरी थीम हम किसी दूसरी वेबसाइट पे काम करेंगे तो वहां पे मेगा मेन्यू जो है मैं आपको क्रिएट करके बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। आई होप कि आपको जो है कस्टमाइजेशन मेन्यू की और जो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह विजेट्स के साथ में कैसे काम करते हैं वो आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड वी ऑलवेज गुड टू अदर्स।